हे दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेसन है वो क्लास 9 का द बेगर। इस लेसन में जो हम लोग देखेंगे कि कैसे एक बेगर जो है ना अपनी बेगिंग छोड़ के एक अच्छी सी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो इस कहानी में जो है ना तीन मुख्य किरदार है। सबसे पहला जो है बेगर, जिसका नाम लस्कोव रहता है। दूसरा एक एडवोकेट रहते हैं जिसका नाम सरगेई होता है। और तीसरा जो है ना सरगेई का मैड यानी कि सर्वेंट, जिसका नाम ओल्गा रहता है। तो कहानी की जो शुरुआत होती है ना, एक दिन जो है ना सरगी जो कि एडवोकेट, वो घर से निकल के कहीं जा रहे होते हैं। तो रास्ते में ही जो है ना एक बेगर जो कि लस्कोव था, वो उन्हें रोक लेते हैं और उससे कुछ पैसे मांगने लगते हैं। वो कई सारे बहाने बनाते हैं पैसे मांगने के लिए। लस्कोव पहले तो ये कहता है कि हेलो सर, थोड़े से रुक जाइए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ, है ना, इस गरीब की कुछ तो मदद कर दीजिए। तभी जो है ना सरगी थोड़ा रुक जाता है और लस्कोव जो है ना फिर कहने लगता है कि मैं एक स्कूल टीचर था जो कि एक कॉन्स्पिरेसी में फंस गया था और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था, और इसीलिए मैं आप भीख मांग रहा हूँ, तो आप कुछ मदद कीजिए मुझे। सरगी जो है ना कुछ देख के सोचने लगता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। तभी तक जो है ना वापस जो है लस्कोव ये बहाना बनाता है कि मुझे जो है ना कहीं और से जॉब ऑफर किया हुआ रहता है, मतलब उसे जॉब का ऑफर कहीं से मिलता है और वह जाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, और अगर आप कुछ पैसे दे दें तो मैं वहाँ जाके जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। सरगेई फिर भी डाउट वाले नज़र से उसे देखता है, तो बोलता है अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि मैं एक सही में एक टीचर हूँ। तभी सरगेई जो है ना उसके जूते को देखता है जो कि एक जूता नीचे मुड़ा होता है और एक ऊपर उठा होता है। उसे ये याद दिलाता है कि एक दिन पहले ही सदवा स्ट्रीट पे उसने उसे पहले ही देखा था, और तब जो है ना वो एक स्टूडेंट का बहाना लेकर वो भीख मांग रहा था। उसने ये कहा था कि एक वो स्टूडेंट है और जो है ना उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया, इसीलिए वो बेगिंग कर रहा था। तो ये जब सरगी जो है ना लस्कोव को बताता कि तुम झूठ बोल रहे हो और इसके लिए मैं तुम्हें पुलिस से गिरफ्तार भी करवा सकता हूँ, तब जो है ना लस्कोव थोड़ा सा डर जाता है और वो ये कहने लगता है कि ना ही तो मैं टीचर हूँ ना ही तो मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं ये सब जो कर रहा हूँ ना, मैं अपने पेट को पालने के लिए कर रहा हूँ। और इसके पीछे वो कारण ये बताता है, और उसके बाद वो ये भी बोलता है कि वो पहले जो ना एक रशियन पायर में एक सिंगर का रोल प्ले कर रहा था, जॉब कर रहा था, लेकिन वहाँ पे वो मतलब क्या बोलते हैं उसे शराबी होने के कारण जो है उसे वहाँ से निकाल दिया गया था, और तब से जो है ना वो बेगिंग ही कर रहा था। तो आप अगर मुझे हेल्प कर दे, लस्कोव ये कहता है, आप अगर मुझे थोड़े से हेल्प कर दे तो मैं मेरा कुछ गुजारा हो सकता है। तो सरगेई ये कहता है तुम कोई काम क्यों नहीं करते। तो लस्कोव ये कहता है कि मुझे काम कौन देगा। सरगेई कहता है कि मेरे लिए तुम वुड काटोगे। तो वो कहता है कि ठीक है मैं वुड काटूंगा आपके लिए। तो उसे अपने घर ले जाता है सरगेई। सरगेई जैसे अपने घर ले जाता है तो वहाँ उसके मैड आती है जिसका नाम ओल्गा रहता है, और ओल्गा से वो ये कहता है कि इस जेंटलमैन को ले जाओ, उसे वुड चॉप करने के लिए दो, क्योंकि उसका ड्रेस जो है ना लस्कोव का ड्रेस गंदा फटा पुराना होता है, इसमें से थोड़ी बदबू आ रही होती है। तो ऐसे ही ओल्गा जो है ना एक चिड़चिड़ी सी औरत रहती है जो कि हमेशा हर बात पे चिढ़ जाती है, उसे वो लेकर जाती है अपने पीछे मतलब गार्डन वगैरह पे जहाँ पे वुड चॉप करना रहता है। और सरगेई जो है ना वो अपने ड्राइंग रूम में चले जाता है। चला जाने के बाद वो वहाँ से देखता है कि लस्कोव जो है ना एक कहीं वुड पे बैठ जाता है और वो कहीं गुम सा हो जाता है, मतलब खो जाते कहीं। तब तक जो है ना ओल्गा एक एक्स लेकर आ जाती है ताकि वो वुड चॉप कर सके। फिर जब उसे वुड चॉप करने के लिए दिया जाता है तो वो वुड चॉप नहीं कर पाता है। पहले वो उठाता है वुड को चॉप करने के लिए बहुत ध्यान से, लेकिन वो उसके हाथ से गिर जाता है। फिर वो दोबारा ट्राई करता है, फिर गिर जाता है। अब जो है ना सरगेई को ये लगता है कि कैसे उसने एक बेगर को जो है ना ठंडी में काम करने के लिए लगा दिया, उसे थोड़ा दुख भी लगता है। अब जो है ना उसका गुस्सा ठंडा हो गया रहता है जो कि लस्कोव के ऊपर उसका गुस्सा आया हुआ रहता है। थोड़ी देर बाद ओल्गा आती है और कहती है कि लस्कोव ने पूरे वुड को चॉप कर दिया है। तो सरगेई कहता है कि बहुत अच्छा है, उसे हाफ रूबल दे दो और उसे कहना कि हर महीने के शुरुआत में वो आ जाए और हमारा कुछ वुड काट दे और हम उसे ऐसे ही पैसा देते रहेंगे। दे देता है, कई महीने ऐसे ही चलता है, वो आता है वुड चॉप करता है और कुछ पैसे ले जाता है। एक बार जब सरगेई अपना घर को चेंज कर रहा होता है तो उसमें भी वो हेल्प करता है जो कि लस्कोव जिसका नाम रहता है वो बेगर, वो हेल्प करता है कि सामान को इधर से उधर ले जाने। फिर सरगेई जो है ना उसे बुलाता है और पूछता है कि लस्कोव देखो तुम पहले से कितना बदल चुके हो, तुम कितने अच्छे हो चुके हो, क्या तुम एक पढ़ा लिखा का काम कर सकते हो, क्या लिखने का काम तुम कर सकते हो, ये सरगेई पूछता है लस्कोव को। तो लस्कोव कहता है कि हाँ। तब सरगेई जो है एक लेटर लिख के देता है, ये मेरे दोस्त के पास जाओ, तुम्हें वहाँ पे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी मतलब लिखने का।
तो वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से चला जाने के बाद वो कई सालों तक वो नहीं दिखता है। कई सालों तक नहीं दिखने के बाद एक दिन की बात है, जब सरगी जो है ना थिएटर में जाते हैं, टिकट खरीद रहे होते हैं, तभी जो है ना एक लिटिल मैन, छोटे से आदमी का नज़र उसके ऊपर गिरता है। दोनों ही मतलब आपस में एक दूसरे को देखते हैं, तो सरगी जो है ना उस आदमी से पूछता है कि लस्कोप क्या ये तुम हो? लस्कोप कहता है हाँ सर। तो बोलता है लस्कोप क्या तुम्हें पुरानी बातें याद है? तो बोलते हैं हाँ सर सब याद है। और अब जो है ना लस्कोप जो है ना नए कपड़े, हैट, कोट बहुत अच्छे मतलब इसमें था। तब जो है लस्कोप ये कहता है कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे एक रास्ता दिखाया, और आपका मेड जो कि ओल्गा था उसका भी बहुत बड़ा रोल था मेरे ठीक होने में। तो उसमें सरगी कहता है कि हाँ तुम्हें याद है कैसे तुम गिरगिरा रहे थे उस दिन, और मेरे से एक छोटे से रास्ता दिखाने पे तुम आज कितने अच्छे इंसान बन गए हो। लस्कोप ये भी कहता है कि अब जो है ना वो एक नॉटरी का जॉब करता है जिससे उसे 35 रूबल्स पर मंथ मिलता है। इस ये सुन के सरगी जो है ना कहता है वाह ये कितनी अच्छी बात है, देखो मेरे एक मदद से तुम कहाँ पहुँच गए हो। तो उसमें लस्कोप कहता है आपने तो मदद किया ही, लेकिन मेरी जो असल जो ज़िंदगी बदला है वो ओल्गा के वजह से। तो वो शॉक हो जाता है सरगी, ऐसा वो पूछता है कि ऐसा क्यों? तो कहता है कि आपको पता नहीं कि आपके लिए मैंने कभी भी एक भी वुड मैंने चॉप नहीं किया, मतलब एक भी वुड काटा नहीं, वो हमेशा जो है ना ओल्गा ही थी जो मेरे लिए वुड काट दिया करती थी। और वो मुझे हमेशा से मतलब डांटती थी, है ना, मुझे कहती थी कि तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, तुम शराबी हो, तुम नर्क में जाओगे, है ना, तुम अपने बारे में सोचती क्यों नहीं हो। वो उसके बारे में सॉरी फील करती है, कभी कभी तो रोने भी लगती थी। तो उसने सोचा जब मेरे लिए कोई इतना सोच सकता है तो मैं क्या उसके थोड़ा सा नहीं बदल सकता। ये चीज़ जो है ना मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है और आज मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। तो ये थी आपकी कहानी द बेगर, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके लिए नया वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। धन्यवाद।